नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि लोन लेकर के हम कैसे अमीर बन सकते हैं। इस सारे प्रोसेस को समझना है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि लोन लेकर के भी आखिर हम कैसे अमीर बन सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात कर रहे हैं कि हम लोन लेकर के कैसे अमीर बने, यानी कि जब हम बात करते हैं लोन लेकर के अमीर बनने की, तो हम अक्सर कर गलत स्टेप उठाते हैं। यानी कि सबसे बड़ी जो गलती कर देते हैं वो क्या करते हैं लोन लेने के मामले में, कि हम लोग लोन लेते हैं अपने घर के लिए, अपनी लग्जरियस लाइफ जीने के लिए। हमें बड़े बड़े महंगे महंगे फ़ोन लेने हैं, गैजेट्स लेने हैं, उसके लिए लोन लेते हैं। हमें अपने घर का इंटीरियर डिज़ाइन करवाना है, हमें अपने घर को बहुत खूबसूरत बनाना है, या फिर हमें बल्ब टूर पे, यानी कि हमें कहीं ट्रिप पे घूमने के लिए जाना है, इन चीज़ों के लिए लोन लेते हैं। हम शादी ब्याह के लिए लोन ले लेते हैं। हम जब अपनी मोटरसाइकिल से निकलते हैं तो हमें शर्म लगती है कि यार लोग क्या सोचेंगे, हम मोटरसाइकिल से चलते हैं तो लोग कार लेने के लिए लोन लेते हैं, और जो कार चलाते हैं वो लोग कोई बहुत बड़ी कार लेने के लिए लोन ले लेते हैं। तो हमारी दिनचर्या शुरू से ऐसे ही स्टार्टिंग होती है, मतलब हम जब उठते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम किस चीज़ के लिए लोन लें जिससे कि हमारी लाइफस्टाइल बढ़िया हो जाए। लेकिन इन चीज़ों से आप लोन लेते हो, उन चीज़ों के लिए लोन लेते हो आप, तो आप अमीर क्या, आप गरीबी में चले जाओगे, गरीबी में धस जाओगे। मेरा यकीन मानिए कि आप अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी आपको इन चीज़ों के लिए लोन लेना चाहिए, वो भी एक सीमित क्वांटिटी के अंदर लोन लेना चाहिए। लेकिन यदि आप इन चीज़ों के लिए लोन लेते हैं, अपनी लग्जरियस लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, लग्जरियस लाइफ में एंटर करने के लिए लोन लेते हैं, तो आप गरीब से भी ज़्यादा गरीब हो जाओगे, और आप EMI के बोझ के नीचे इतना दब जाओगे ना कि जो आपकी सुकून की लाइफ थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अमीर बनने के लिए हम लोन कैसे लें, ये डिसीजन बहुत बड़ा एक डिसीजन होता है कि हम अमीर बनने के लिए लोन कैसे लें। मतलब लोन कैसे लें वो बात की बात होती है, हमें अमीर बनने के लिए लोन आखिर क्यों लेना चाहिए। देखिए आज के टाइम पे आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन आप देखेंगे, टॉप जितने भी बिजनेसमैन आपके दिमाग में जो भी आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के बिजनेसमैन हैं, या आपके अड़ोस के पड़ोस के माहौल में करोड़पति जो अरबपति होंगे, उनको आप देखिएगा कि वो कैसे करोड़पति बने। उन्होंने जरूर अपने जीवन में लोन लिया होगा, लोन लेकर के ही पैसे वाले बनते हैं। अगर हम बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात करें, जैसे कि अदानी हैं, टाटा हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, ये गवर्नमेंट से, बैंक से लोन लेती हैं, और लोन लेकर के क्या करती हैं कि एसेट इकट्ठा करती हैं, लोन इकट्ठा करती हैं, अमाउंट इकट्ठा करती हैं, और फिर उसके जरिए नए नए बिजनेस खोलते हैं, और नए नए बिजनेस खोलते हैं तो उससे क्या होता है, नए नए इनकम के सोर्स जनरेट होते हैं, तो वो इसलिए लोन देते हैं। लेकिन हम लोगों को स्टार्टिंग से रटाया गया है, सिखाया गया है, हमें एक तरह से दब्बू बनाया गया है कि लोन नहीं लेना है, लोन नहीं लेना है, लोन लेना नहीं है, नहीं तो हमारी ज़िंदगी नरक बन जाएगी और हम लोग कभी उस चीज़ से निकल नहीं पाएंगे, ओवर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों हमें जो चीज़ सिखाई गई है ना, वो इसलिए सिखाई गई थी, उनको उन सिखाने का तरीका एक अलग था। उनका सिखाने का तरीका ये था कि हमें कार लेने के लिए लोन नहीं लेना है, हमें घर लेने के लिए लोन नहीं लेना है, जब जरूरत है तब लेना है और एक सीमित मात्रा में लेना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए कार का लोन, घर का लोन, इंटीरियर का लोन, घूमने फिरने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए लोन, और इस तरह से लोन ले लेते हैं जो फंस जाते हैं। तो जो बड़े बूढ़ों ने लोग बोली ना चीज़ें, ये इन चीज़ों के लिए बोली थी। लेकिन हमें आज के दौर में अगर अपने आप को बेहतर बनाना है, हमें अमीर बनना है, तो हमें अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमारी सोर्स ऑफ इनकम जॉब से हो रही है तो हमें कोई साइड में बिजनेस भी डालना पड़ेगा। तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बैंक में गए मुंह उठा करके और आप लोन ले आए। ठीक है, सपोज दैट आपका ITR, आप ITR फिलअप करते हो, आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा है और आप गए लोन ले आए, लेकिन आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि यदि आप लोन ले लेते हो तो उस लोन से आप करोगे क्या, क्या प्लान है आपका, उस प्लान को आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे, वो चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। तो गाइस हम बात कर रहे थे प्लान, हमारे पास प्लान होना चाहिए लोन लेने से पहले कि हम लोन लेने वाले हैं तो हमें उस प्लान के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाए। और प्लान के बाद में आता है रिसर्च, यानी कि आपको प्लान से पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कि आप लोन लेने वाले हैं तो क्या लोन लें, किस चीज़ के लिए लोन लें, जिससे कि बिजनेस के लिए लोन लेना है आपको या किसी असेट के लिए लोन लेना है, आपको लोन क्या लेना है। तो इसलिए आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़े, आप किस बिजनेस को कर सकते हैं जिसको लोन लेकर के आप उस बिजनेस को खोल सकते हैं और उसके बाद आप पैसा कमा सकते हैं, पैसा अर्न कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने 1 लाख का या 10 लाख का लोन ले लिया, ठीक है, आपने लोन ले लिया और वो लोन लेके आपने कोई बिजनेस सेट कर लिया, और उस बिजनेस सेट करने के बाद में आपने 2-3 साल के अंदर आपने वो लोन चुका दिया, तो उसके बाद में जो इनकम होगी वो तो फिर आपकी इनकम हुई ना। तो इस तरीके से आपका जो लोन लेने के बारे में जो मिथ है
कि नहीं लेना है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, अपनी माइंड की साइकोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। आप अपने माइंड की साइकोलॉजी को चेंज करेंगे, आप लोन लेंगे, बिजनेस के लिए लोन लेंगे या फिर किसी असेट के लिए लोन लेंगे, तभी आप एक सक्सेसफुल आप एक इंसान बन सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं। तो बात आ रही थी रिसर्च की, तो आप रिसर्च कीजिए, आप खुद से रिसर्च कीजिए, अपने यार दोस्तों से पूछिए, आप किसी एजेंसी की सहायता ले सकते हैं कि वो रिसर्च करके बताए कि आप किस में अच्छे हो, किस में लोन लेना चाहिए, कहाँ पर मतलब क्या करना चाहिए, क्या बिजनेस खोलना चाहिए कि वो आपका सक्सेसफुल बिजनेस हो जाए। अब देखिए होता क्या है कि हम लोग प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं करते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं, सीधा कोई बिजनेस सोच लिया, ले लेते हैं और लोन ले लेते हैं और हमारा बिजनेस हो जाता है फेल और हम एक मुसीबत में फंस जाते हैं कि ऑलरेडी हमारा जो बिजनेस फेल हो गया उसकी हमें ईएमआई देनी है। तो प्रॉपर तरीके से रिसर्च कीजिए और रिसर्च करने के बाद में आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको क्या बिजनेस खोलना है या क्या असेट बनानी है, उसी के हिसाब से फिर प्लान बनाइए, उसका प्लान बनाइए और प्लान बनाने के बाद में उसको एग्जीक्यूट कीजिए, तो आप डेफिनेटली पाएंगे कि आप बिजनेस से काफ़ी कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। देखो दोस्तों होता क्या है कि सपोज दैट आपके मन में कोई काम चल रहा है, आपके माइंड में चल रहा है कि मेरे को बिजनेस खोलना है, कोई आपको बिजनेस खोलना है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैं पहले सैलरी से या इनकम से पैसा इकट्ठा करता हूँ और उसके बाद मैं बिजनेस खोल लूंगा। तो इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि आप 2-3-4 साल पीछे रह जाते हो, क्योंकि आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो, तब तक मान लीजिए किसी दूसरे ने बंदे ने वो बिजनेस खोल लिया तो उसका एडवांटेज आपको नहीं मिल पाता है। तो आप समय से पहले अगर वो बिजनेस खोल लेते हैं तो आपको 5-10 साल का एडवांटेज भी मिलेगा, साथ ही साथ जो कंपटीशन बढ़ने वाला होता है उसी से आप पहले से ही आप काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर लेते हो अपने बिजनेस के अंदर, तो इसलिए लोन लेना भी एक अच्छी बात होती है। लेकिन चूज आपको वो ये करना है कि लोन आप किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, लग्जरी के लिए ले रहे हैं कि बिजनेस के लिए ले रहे हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए अपने लोन लेने वाले डिसीजन के अंदर। तो इस तरीके से आप लोन लेते हैं पहले से ही तो आपका टाइम बचेगा और आप पहले ही उस काम को अगर ओपन कर लेते हैं तो कंपटीशन बढ़ने वाला होता है, उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब एडवांटेज की, यानी कि आप लोन लेकर के पैसे वाले कैसे बन सकते हो, कैसे अमीर बन सकते हो। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया, एक मोटिवेशन दे दिया आपको, इस पर आप विचार कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा इन चीज़ों को, तभी आपको काफ़ी कुछ नॉलेज, आपके माइंड की साइकोलॉजी चेंज होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपको और ज़्यादा माइंड आपकी साइकोलॉजी को चेंज करना है तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, तो आपकी डेफिनेटली आपके माइंड की साइकोलॉजी धीमे धीमे, देखो माइंड की साइकोलॉजी क्या चेंज होती है, जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं, किसी चीज़ को बार बार सोचते हैं तभी माइंड की साइकोलॉजी चेंज होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि लोन लेने के एडवांटेज क्या होते हैं। सबसे पहला है कि टाइम बचेगा, यानी कि जब आप लोन लेते हैं तो आपका टाइम बचता है, क्योंकि आप जब लोन के लिए पैसे का इकट्ठा अरेंजमेंट करते हैं, पैसे को इकट्ठा करते हैं, तो वो टाइम निकल जाता है 2-3-4-5 साल, और आपका अगर आपने लोन ले लिया तो आप उस बिजनेस के बारे में जो सोच रहे हैं वो आज के आज ही अपने बिजनेस को खोल सकते हैं, तो इससे टाइम बचता है आपका। दोस्तों अगला जो फायदा वो ये है कि लोन लेने से क्या होता है, हमारे माइंड में प्रेशर पड़ता है कि यार लोन लिया है तो हमें वो लोन को चुकाना पड़ेगा, तो उस चुकाने की वजह से लोन के लिए प्रेशर की वजह से क्या होता है, हम फोकस्ड हो जाते हैं और हम मेहनत से काम करते हैं, अपने जो हमारा बिजनेस होता है उसको फोकस्ड होकर काम करते हैं कि भाई हमने लोन लिया है तो उसको लोन को चुकाना भी तो है। अगला है दोस्तों कि जैसे कि आपने लोन ले लिया तो क्या होता है कि आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, वैसे आप क्या सोचते रहते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, लेकिन आप लोन ले लेते हैं तो आपके पास एक जिम्मेदारी आ जाती है, आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, और जब एक्शन लेना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर एक ऑटोमेटिक आपके अंदर फीलिंग आ जाती है, और एक्शन लेते हैं तो आपका काम जो बिजनेस है वो भी चलने लग जाता है। अगला दोस्तों फायदा आपको ये है कि जब आप लोन लेते हैं तो आपकी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो फास्ट हो जाती हैं। वो ऐसा क्यों होता है कि जब आप लोन ले लेते हैं तो आपने पैसा कहाँ लगाया, किस बिजनेस में लगाया, कितना लगाया, कितना चुकाना है, कितनी ईएमआई देनी है, कितनी सैलरी देनी है, ये सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। आपके साथ प्रेशर के साथ में और क्या होता है कि प्रेशर जब आप पड़ता है तो आपके अंदर ना आपकी स्किल इंप्रूवमेंट होती है, आप एक टीम लीडर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, आप टीम लीडर बनते हैं, आपके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आपके ऊपर जब प्रेशर आता है ना तो आप काफ़ी सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली आपके अंदर साइकोलॉजी चेंज होती है और उससे आप चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम लोन लेते हैं तो लोन के प्रेशर में हमारी जो स्पीड होती है वो भी फास्ट हो जाती है, और आखिर में आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम रेस्पॉन्सिबल भी बन जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपने एक जिम्मेदारी के साथ लोन लिया है अपने बिजनेस के लिए या फिर असेट के लिए तो आप एक जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं। वो कैसे कि आपके अंदर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि मैंने लोन लिया है बैंक से या फिर मैंने अपने किसी मित्र से, इन लॉज से या किसी और से मैंने लोन लिया है तो मुझे वो लोन चुकाना है समय पर। तो इससे क्या होता है आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाते हैं, आप अपनी एक जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है आपको, और जिम्मेदार इंसान बनने के लिए आप उसी तरीके से आपकी माइंड की साइकोलॉजी काम करने लग जाती है। तो दोस्तों लोन लेना बुरी बात नहीं होती है, लोन लेना एक बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन वो डिसाइड आपको करना है
कि लोन बेस के लिए आपको अपनी लग्जरियस लाइफ को इंप्रूव करने के लिए लेना है या फिर आपको बिजनेस के लिए फिर या फिर असेट बनाने के लिए लेना है लोन। तो ये डिसाइड आप कीजिए। आपको अगर अमीर बनना है, आपको अपनी सोर्स से इनकम बढ़ानी है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम इधर से आ रही है उधर से आ रही है, कई सारी सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ानी है, तो आप लोन लेकर के बिजनेस स्टार्ट कीजिए, एसेट बनाइए, तो डेफिनेटली आप अमीर बनेंगे और आपकी जो माइंड की साइकोलॉजी है वो धीमे धीमे चेंज हो जाएगी और आप भी एक जो नॉर्मल इंसान की जो थिंकिंग होती है उससे उठ करके आप एक जो हाई क्लास से मतलब मेरा है बिजनेस क्लास, जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं उनकी तरह आपकी थिंकिंग हो जाएगी। तो गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा। तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।